Friends, and welcome in the online class of Adarsh Vidyamandir. This is for class 4. Subject is math and topic is decimal. Aur isme aa gaya specific term 10th, 100th and 1000th. To bachcho kya hai ki 10th kya hai? 10th hissa kya hai? Jaise maan lo koi cake khareedo tum usko aur 10 bachcho mein barabar baant do equally. To kya hai? Uska ek hissa hoga 1/10. Usko likhenge 1/10. We'll write 1/10. फिर अगर 3/10 होगा तो 3/10, फिर 7/10 होगा तो 7/10, यानी क्या है फ्रैक्शन क्या है विथ डेसिमल्स क्या होता है, जो जिसका डिनोमिनेटर ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो दे आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, उनको डेसिमल नंबर कहेंगे या सिंपली डेसिमल कहेंगे. जैसे 1/10, 1/10, 0.1. देखो क्योंकि एक जीरो है इसीलिए एक दशमलव के बाद एक ही अंक होगा, वन डिजिट्स. 3/10 0.3, 7/10 0.7. इस तरह हंड्रेंथ्स है बच्चों. देखो 1/100 को बोलेंगे 1/100 और इसको डेसिमल में व्यक्त करेंगे 0.01. इसी तरह 8/100 को लिखेंगे 8/100 तो 0.08. इस तरह 16/100, 16/100 इजकल टू क्या होगा 0.16. इसी तरह थाउजेंड्स में होगा बच्चों 1000, 1/1000 डेसिमल में लिखेंगे 0.001. देखो तीन डिजिट्स है तो डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स होगा. देखो 8000, 8/1000 क्या होगा 0.008. इस तरह 14 and 7000, 14 और क्या 7000, इसको लिखेंगे डेसिमल में 14.007. इस तरह देखो 360000, क्या लिखेंगे 360/1000. इस तरह देखो 23.6 को कैसे लिखेंगे फ्रैक्शंस में, 23 6 होल बाय 10, 6/10. इस तरह 5.23 को लिखेंगे फ्रैक्शन में, 5 होल 23/1000. इसी तरह 1.126 को लिखेंगे 1 होल 1 and 126/1000. ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट डेसिमल, 10th, 100th, 1000th. ठीक है बच्चों, फिर विल कीप वॉचिंग फॉर असाइनमेंट्स. दैट्स ऑल, थैंक यू.